सीधी बात है, तो खुल के कहने का नहीं, ना पैसा है ना देला है, प्रताप सिंह अकेला है। जो मेरा साथ देगा उसके लिए मेरी जान है। तो मैं साथ, मेरे साथ पढ़ने थे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के जमाने से, जो मेरे साथ है वो सब मेरा साथ देंगे। मुझे बहुत उम्मीद है। नामांकन भरने की किस तरीके से तैयारी है, कब नामांकन करेंगे? कोई ब्लू प्रिंट नहीं है, क्योंकि मैंने तो, मुझे तो मैं चुनाव लड़ना ही नहीं था, मैंने मांगा ही नहीं था टिकट। लेकिन जब पार्टी का आदेश हो गया तो मैं पूरे दम से चुनाव लड़ूंगा, पूरी पार्टी लगेगी और सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जान लड़ाएंगे, यही हम कर सकते हैं। क्योंकि अब अचानक टिकट घोषित हुआ है, अभी जस्ट आधा एक घंटे में सारी प्रक्रिया घूमी है, तो ऐसा अचानक जब टिकट घोषित हो, जानते हैं जब मेरे से कहा जाए आपको आदेश है, पार्टी का आदेश है, तो कांग्रेस के लिए तो मैं जान भी दे दूं तो कम है, और जयपुर के लिए मेरी जान दे दूं, जनता के लिए जान दे दूं तो भी वो कम है। तो अभी जो जान जितनी बची है वो जयपुर की जनता के नाम, पार्टी ने आदेश किया है, तो जो भी कर सकते हैं जी जान से निभाएंगे। और आप जानते हैं कि दो तीन महीने में जो हालात बने हैं, जिस ढंग से गरीब को उजाड़ा जा रहा है, फुटपाथ पर बैठ नहीं सकता, दुकान की सीढ़ी लगा नहीं सकता, तोड़ना मरोड़ना और कुछ नहीं हुआ, तो काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आप जानते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने कोई कमी नहीं रखी, पूरी जी जान से काम किया, सारी योजनाएं बंद हो गई। और यदि पार्लियामेंट में, सब जानते हैं कि जयपुर का बेटा जीत कर जाता है तो मुझे लड़ना भी आता है और लोगों के सम्मान के लिए मरना भी आता है, तो मेरी जान हाजिर है जयपुर के लोगों की। आप पहले भी आपको अपनी बात कहने का हक है, बीजेपी अपनी बात कह रही है, हम हमारी बात कह रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से कि कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर आपको, आपका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि भी देखना चाहिए कि जो आपकी आवाज बन सके लोकसभा विधानसभा में। जयपुर से जब कोई व्यक्ति चुनकर जाए तो देश को पता चलना चाहिए कि आपका प्रतिनिधि कौन है, वो क्या काम कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है लोगों से, और जब पार्टी ने भरोसा जताया, मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ, और जब कार्यकर्ता को आदेश मिलता है तो उसको चुनाव में जाना पड़ता है। अब मुझे आदेश मिला है तो जितनी मेरी ताकत बची है, जितनी मेरी हिम्मत बची है, वो बटोर कर और हमारे लोगों को सबको इकट्ठा करके 8 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें से 2 हम जीते हैं, सिविल लाइन संभाल गए जहाँ से मैं खुद लड़ा, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को हम कैसे पार पाएंगे ये तो ठाकुर जी फैसला करेंगे, और सुदर्शन चक्र वाला ही मदद करेगा, क्योंकि बिना ऊपर वाले के आशीर्वाद से, लोगों के समर्थन के बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम तो माइनस में हैं। अब वो माइनस से प्लस में हम आते हैं तो ये मानकर चलना है हमारी तो जिंदगी दाव पर है। और ये मुझे पक्की उम्मीद है कि लोग इसमें इस बात को समझेंगे कि कितनी बड़ी चुनौती हमारे लिए, हम जीत कर जाते हैं तो हमारी जिंदगी, हमारी, मेरा तो सब कुछ पब्लिक के नाम होगा, क्योंकि मैं तो मार्केट भी, लोग जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमें वोट देते हैं, उनका साथ निभाते हैं, ये हमारी परंपरा रही है जब से राजनीति में आए हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेकर यहाँ तक। तो मैं ये भरोसा करता हूँ कि लोग 2 बार से बीजेपी यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव जीत रही है, लेकिन कोई काम यहाँ नजर नहीं आता है। तो मुझे पक्की उम्मीद है कि लोग, इस देश में जो ये मुफ्त राशन मिल रहा है, ये कांग्रेस की योजना है। तो राइट टू फूड, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून, राइट टू वर्क, काम का अधिकार नरेगा, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा की अनिवार्यता का कानून, और राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये सब काम हमने। बिल्कुल, कांग्रेस का जनाधार कम नहीं था, विधानसभा चुनाव में भी वोट परसेंट में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, हालांकि जयपुर में 8 में से 6 सीट कांग्रेस ने हारी जरूर।